नमस्कार, हम आपके पंकज सहपाठी। दो तीन दिन से एक खबर काफी न्यूज में है, बहुत ज्यादा ब्रेकिंग न्यूज। ब्रेकिंग न्यूज इसलिए क्योंकि सुनने में आया है कि प्रियंका बहन और निक जीजा ब्रेक लेने वाले, ब्रेकअप। 2 साल 3 साल पहले तिलक लगाया था, तिलक के बाद अब तलाक के बारे में सोच रहे। कल रात प्रियंका बहन मेरे सपने में आई। सपने में आई इसलिए बहन कह रहा हूँ, नहीं तो आप लोग समझेंगे कैरेक्टरलेस आदमी है। मैंने पूछा क्या हो रहा है, क्यों तुमने निक जोनस ये सरनेम हटाया इंस्टाग्राम से, सोशल मीडिया से? तो वो बोली, पंकज भैया, एक तो पति मेरा एज में छोटा है, ऊपर से मेरा नाम बड़ा है, पहले भी था, और अब प्रियंका चोपड़ा जोनस बहुत ही बड़ा नाम हो जाता है क्योंकि उसका नाम निक जोनस है। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि जोनस तो सिर्फ बोनस है, इसको हटाओ, मेन पेमेंट तो निक है, तो उसको उसके नाम के साथ बराबरी करने के लिए वो निक जोनस और मैं प्रियंका चोपड़ा। अच्छे विचार लगे, अच्छी बात लगी, इसमें कौन सी बुरी बात है, विशुद्ध रूप से अच्छी बात है। उसके बाद मैंने कहा कि इस विषय में तुम्हारी मम्मी तो सफाई दे रही है, मधु जी, मधु आंटी, क्योंकि काफ़ी मधुमक्खियाँ पत्रकारों के रूप में उससे पूछ रही है। तो मधु आंटी ने कहा कि ये एंटी न्यूज़ है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो प्रियंका दीदी, ये बताओ कि निक की मम्मी का इस विषय में क्या टेक है? तो वो बोली, निक की अम्मा तो बड़ा प्राउड करती है निक पर, क्योंकि पैदा होते ही उसने अपनी मम्मी को निकम्मा किया, निकम्मा, निक की अम्मा। तो ये सारी बातें हो रही हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। नाम हटाकर मैंने सिर्फ बराबरी की है, बल्कि मैं तो भैया और छोटा नाम करूंगी, प्रियंका चोपड़ा से भी पीसी कर दूंगी, जो मेरा ऑलरेडी निक नेम है। तो उससे पति खुश हो जाएगा कि निक का नाम भी मेरे नाम से जुड़ जाएगा, लोग कहेंगे पीसी निक नेम है, निक नेम पीसी है। और तो सरनेम तो हटा कर दिया मैंने, जोनस, तो इसको तो मीडिया को खुश होना चाहिए, क्योंकि बेटी होने के नाते मैं मैडम हूँ, तो मेरा मैडम नेम ही रहे, सरनेम ना रहे, तो क्या क्या प्रॉब्लम है। निक के साथ मैं हमेशा से ही खुश हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या नहीं। उसके लिए मैंने घर छोड़ा, भारत छोड़ा, देसी गर्ल ने विदेशी बॉय से शादी करके ये देसी गर्ल आज विदेशी बहू बन गई, क्या बुरा है। इतना सब करने के बाद लोग आज कह रहे हैं कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज था, पैसों के लिए शादी की, ये लोग निभा नहीं सकते, हीरोइन शादी, इससे कोई रिश्ता ही नहीं, इन लोगों का मन नहीं लगता, ये सब आरोप लगा रहे हैं। मैंने कहा, नहीं बहन, कोई टेंशन मत लो, तुम्हारा सबसे अच्छा निर्णय तो था यही था कि तुमने भारत छोड़ा। बोली, भारत मैंने कब छोड़ा, मैं भारत की बेटी हूँ, भारत की बहन हूँ। मैंने कहा, भारत फिल्म जो सलमान खान की छोड़ी, तुमने बहुत अच्छा किया, क्योंकि भारत फिल्म में पाकिस्तान जैसा टॉर्चर था, वो छोड़कर अच्छा किया। लेकिन एक बात बताओ बहन, फिर भी तुम इतनी देसी गर्ल बनती हो, देसी गर्ल बनती हो, तुमने भारत के किसी व्यक्ति से शादी क्यों नहीं की? इस बात के जवाब पर जो उसने जवाब दिया,
इस प्रश्न पे मेरे आंख से आंसू आ गए। अली भैया, पंकज भैया, भारत मेरा देश है भैया, और सारे भारतीय मेरे भाई बहन हैं, सारे भारतीय भाई बहन हैं भैया। तो बताओ भैया, मैं कैसे किसी देसी से शादी करते, सब भाई बहन है भैया। इस बात पे मुझे बड़ा अभिमान हुआ, स्वाभिमान हुआ। मैंने कहा ठीक है, तुम देसी थी, देसी हो और देसी ही रहोगी, चाहे कितने ही विदेशी बनने की कोशिश करो। तो भैया, इस विषय में चर्चा चलती रहेगी, लेकिन अफवाहें ना उड़ाएं। प्रियंका जी ने मुझे सपने में आकर सब बता दिया और सब ठीक चल रहा है। आप भी आनंद में रहिए, मस्ती में रहिए। ये जो फिल्मी हीरोइनें हैं, ये मन की भी खूबसूरत होती है, तन की भी खूबसूरत, और धन की भी खूबसूरत होती है, फन की भी खूबसूरत होती है। इन्हें खुश रहने दीजिए। पर प्रियंका तो इतनी अमीर है, इतनी अमीर है कि फाइनली अमेरिका का ध्यान रखने के लिए, अमेरिका ध्यान रखने के लिए अमेरिका शिफ्ट हो गई। लेकिन बीच बीच में भारत में आती रहती है और निक ब्रदर्स, निक फैमिली, सब निक है, निक है। और प्रियंका बहन, टेंशन मत लीजिए, हम आपके सहपाठी, आपके सैनिक हैं, और हमारा जीजा निक, छोटे का ध्यान रखना। ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर एंड फॉर फ्यूचर। शक्ल की भी, शक्ल का ध्यान रखना। ऑल द बेस्ट।